हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज से अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया था और हम लोग पहला चैप्टर जो शुरू करेंगे वो चैप्टर जो रहेगा हमारा वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सभी चैप्टर्स पढ़ेंगे, ये थोड़ा आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ आता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो कुछ फिनोमिना जो हम लोग अपने नेचर में अपने अगल बगल हमेशा देखते आते हैं वो चीज़ें इसी पर आधारित है। जैसे कि बात करते हैं हम आप लोग सर्दियों में, बेसिकली गर्मियों में नहीं, सर्दियों में ज़्यादातर, ठीक है। गर्मियों में कम होता है कि आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा उसके बाद सोचिएगा क्यों गर्मियों में कम होता है। क्या चीज़ वो बताते हैं पहले, क्या चीज़ है कि जैसे आप शर्ट उतारते हैं, ठीक है ना, तो आता ना चट चट की आवाज़ होती है, ठीक है। तो वो चट चट की आवाज़ किसके कारण होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसका रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है यानी स्थिर वैद्युतिकी ही है। उसमें क्या होता है, चार्जेज का या फिर कहें आवेशों का डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना, निरावेशन जिसको हिंदी में कहते हैं, निरावेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ स्पार्क वगैरह इंड्यूस होता है और चट चट की आवाज़ आती है। यहाँ तक कि आप अगर अंधेरे में एक आईने के सामने, ठीक है, अब अंधेरे में अपने ठंडी में अंधेरे में अपने शर्ट को उतारिए, ठीक है, आप देखेंगे एक आईना जो होगा बड़ा सा आईना हो तो आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे स्पार्क आपको दिखाई देंगे उतारते समय, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लाइटनिंग आप देखते हैं, थंडर स्टॉर्म देखते हैं, लाइटनिंग थंडर स्टॉर्म, एक सेकेंड, लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म, तो लाइटनिंग आप जानते हैं, लाइटनिंग मतलब आकाशीय बिजली का गिरना, तो लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म हो गए, ये भी क्या है इसी के अंतर्गत। अगर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो इन दोनों फिनोमिना को हम समझ सकते हैं। फिनोमिनन क्या होता है, सिंगल होता है, फिनोमिनन कई सारे, ठीक है ना, प्लूरल होता है, सिंगुलर फिनोमिनन होता है। तो लाइटनिंग मतलब वही बिजली का गिरना, ठीक है, थंडर स्टॉर्म क्या होता है, थंडर स्टॉर्म जो होता है मेघ गर्जन भी जिसको लोग कहते हैं बेसिकली, वो क्या होता है कि जैसे बादलों के बीच ही जब डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उस पर हम लोग आगे समय देखा जाएगा, सिलेबस होगा तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा। बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है जो डिस्चार्ज होता है एक ऊपरी लेयर से बादल के निचले लेयर में, तो या निचले लेयर से ऊपरी लेयर में भी अगर जा रहा है तो क्या होता है, तो बहुत तेज जो है कड़कड़ाहट गर्जन की आवाज़ आती है, ये सब चीज़ें। तो यही सब चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज़ जो आता है वो हमारा होता है वो चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है इसका डिफिनेशन पहले जान लेते हैं। यानी स्थिर वैद्युतिकी, तो किसी चार्ज जिसको कहते हैं हिंदी में आवेश, आवेश अभी हम देखेंगे, के द्वारा उत्पन्न बलों यानी कि प्रोड्यूस्ड यानी इंड्यूस्ड फोर्सेज क्षेत्रों यानी फील्ड्स
और विभव यानी पोटेंशियल्स का अध्ययन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, किसी चार्ज के द्वारा उत्पन्न बलों, फोर्सेज, फील्ड्स, क्षेत्रों और विभवों। ठीक है ना, फील्ड्स क्या होते हैं, फील्ड क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फील्ड भी आप कह सकते हैं फील्ड और पोटेंशियल। ठीक है, विभव क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इन सब का अध्ययन, फोर्स तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है ना, अध्ययन करना जो होता है किसी, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, स्थिर चार्ज, ये ध्यान, ये बहुत सही, बहुत जरूरी है, स्टेशनरी। यानी चार्ज क्या होना चाहिए, जो आवेश होना चाहिए वो स्थिर रहना चाहिए, स्टेशनरी रहना चाहिए। ठीक है, एट रेस्ट होना चाहिए, स्थिर अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। देखिए, इतना हमने डेवलप किया, इतना कुछ चीज़ें जान लिया ह्यूमन सिविलाइजेशन ने। ठीक है, इतने साइंटिस्ट हुए, जो भी हुए, लेकिन चार्ज बेसिकली होता क्या, इसका फॉर्मल डिफिनीशन किसी को नहीं पता है। ठीक है ना, तो हम बेसिकली बस इसीलिए कॉन्सेप्ट बस पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, आवेश का संकल्पना, बस कॉन्सेप्ट इसका पढ़ते हैं कि एक्चुअली में चार्ज, देखिए चार्ज हम मेजर कर सकते हैं, इसका नेचर जान सकते हैं, लेकिन चार्ज होता क्या ये नहीं पता हमको। ठीक है, किसी को नहीं पता, अभी तक नहीं पता चला है चार्ज क्या होता है। तो शुरुआत इसका हिस्ट्री से पहले शुरू करते हैं, हिस्ट्री, हिस्टोरिकली बात करें, हिस्टोरिकली बात करें तो एक थेल्स थेल्स नामक व्यक्ति थे, ग्रीस के, ग्रीस, ठीक है ना, ग्रीस कंट्री के थेल्स नामक व्यक्ति थे। इन्होंने क्या, सबसे पहले इन्हीं को माना जाता है कि इन्होंने ही ये चीज़ बताया, ये फैक्ट बताया था, ये फैक्ट यानी ये तथ्य इन्होंने ही बताया था, यह तथ्य इन्होंने ही, थेल्स ने ही बताया। क्या बताया, कि जब एक एम्बर को ठीक है ना, एम्बर को किसी सिल्क या वुलन कपड़े से रगड़ते हैं, किसी सिल्क या वूल से रगड़ते हैं। ठीक है, एम्बर क्या होता है, एम्बर क्या होता है, बेसिकली एक पेड़ से, ठीक है, एक पदार्थ जो चिपचिपा निकलता है, ठीक है ना, वही पदार्थ है एम्बर कहलाता है, या फिर आप लकड़ी का ही एक पार्ट मान सकते हैं, सॉरी, एक पेड़ का पार्ट मान सकते हैं एम्बर। ठीक है, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो एम्बर वही होता है, जब उसको हम रगड़ते हैं किसी सिल्क के कपड़े से, सिल्क से या फिर वूल से। ठीक है, सिल्क मतलब रेशम, सिल्क क्या है हिंदी होता है रेशम। और सबसे पहले बात बता दें आपको, लिखने का एग्जाम में आप या तो शुद्ध हिंदी में लिखिए, या मिक्स लैंग्वेज में लिखिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिखिए, या फिर टोटली इंग्लिश में लिखिए, किसी में भी आपको कुछ कोई दिक्कत नहीं, आपका कंटेंट सही होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट सही है, लिखा हुआ सही है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप गलत लिखेंगे, किसी में भी लिखें गलत लिखेंगे, तो अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। और बेसिकली आप लोग मिक्स लैंग्वेज में लिखते हैं तो थोड़ा टीचर को कन्वीनियंट होता है, क्योंकि सब बीटेक के टीचर होते हैं, तो उनके लिए आसानी होती है समझना। ठीक है, तो सिल्क मतलब रेशम और वूल मतलब ऊन, जब इससे रगड़ते हैं तो ये एम्बर क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे या लाइट वस्तुओं को, हल्के वस्तुओं को, जैसे कागज़ के टुकड़े हो गए, ठीक है, और कुछ हल्के वस्तु हैं, ठीक, पहले लोग क्या करते थे, यहाँ तक कि मेढकों को मेढक तालाब में होते थे, उनको अट्रैक्ट करता था, तो उनके मतलब वहाँ खेल दिखाते थे, एक तरह से फिजिक्स न जानते हुए वो लोग खेल समझते थे उसको। ठीक है, एम्बर से क्या किया, रगड़ा और उसको जो है मेढक कूदने लगे। ठीक है, तो इस तरह से ये खोज मतलब क्या किया कि एक एम्बर को जब रगड़ के, ठीक है ना, जब रगड़ते हैं तो क्या होते हैं, वो हल्के वस्तुओं को मतलब अट्रैक्ट करता है।
ठीक है। तो ये पहला चीज ये हमने जाना, ठीक है, पहला शुरुआत इन्होंने किया था, ठीक है, लगभग 600 बीसी के आसपास। 600 बीसी मतलब ये आप लोग जानते हैं, बीसी मतलब बिफोर जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले की ही बात है, ठीक है। तो उस समय पता चला हमको ये, ठीक है, ये फैक्ट उन्होंने बताया। ये क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, ठीक है, इन्होंने ये बताया। फिर आगे चल के अभी देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह ये सब कुछ नहीं खोजे गए, इन सब का खोज तो बहुत बाद में हुआ है, जबकि हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बताया, जब हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था, जब चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया, तो उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर था। तो पूरा जो होता है इलेक्ट्रिक से लेकर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म, क्योंकि पहले तो हमको नहीं पता था कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होता है, लेकिन फैराडे ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होता है, और ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा डिस्कवरी माना जाता है, बहुत बड़ा खोज माना जाता है, जिसके कारण से आज हम बहुत आलीशान चीज़ों में जी रहे हैं, आलीशान चीज़ें हमारे आमने सामने हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ये सब खोज दिए गए थे, मतलब पहले हम इलेक्ट्रिसिटी अलग जानते थे, अलग पहलू है, अलग चीज़ है, ठीक है, मैग्नेटिज्म अलग चीज़ है, लेकिन बाद में कंबाइंड हो गए, फिर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, बाद में फिर आए मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, उन्होंने कंबाइंड किया ऑप्टिक्स को, यानी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाश, तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये सब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे सीखते रहेंगे, जानते रहेंगे, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि हमको पता नहीं था कि अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह ये सब खोजे नहीं गए थे, ये 19वीं शताब्दी में खोजे गए, उसके पहले ही बहुत सारा, मतलब लगभग कंप्लीट हो चुका था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यानी कि इलेक्ट्रॉन से लेकर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से लगाए मैग्नेटिज्म पूरा डेवलप हो चुका था, पूरा थ्योरी, पूरे सिद्धांत डेवलप हो चुके थे, ठीक है। यहाँ तक कि फैराडे ने भी एक्सपेरिमेंट जब तक किया था, तब तक जो है अभी इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। तो ये इसी आधार पर था। अब कुछ चीज़ें और हैं कि जैसे कि जब हम सिल्क, ठीक है ना, एक सिल्क से एक ग्लास का रॉड, यानी कांच का रॉड जब रगड़ते हैं, ठीक है, जब कांच का रॉड एक सिल्क से रगड़ते हैं, तो क्या होता है, एक सिल्क यानी रेशम के कपड़े से जब कांच का रॉड यानी जिसको हम लोग ग्लास कहते हैं, शीशा नहीं है, ठीक है ना, तो ग्लास के रॉड को रगड़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, एक और ग्लास का रॉड लेते हैं और उसी सिल्क से रगड़ते हैं। तो जब रगड़ने के बाद दोनों को, जैसे एक ग्लास है, ग्लास का रॉड है, और दूसरे को जब पास लाते हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिपेल करते हैं। तो ये रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, क्यों, चलिए अभी बता रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं प्लस, ठीक है। अब यहीं पे क्या किया जाए, एक बिल्ली के फर से, ठीक है ना, कैट के जो फर होता है उसका, मतलब जो हिस्सा ऊपर का हिस्सा होता है, जो कवर होता है, उसी को फर कहते हैं, उसके फर से, मतलब ऊपर का जो बाल होता है उसको फर कहते हैं। तो बिल्ली के जब फर से, कैट के फर से, यानी बिल्ली के फर से जब क्या, किसको रगड़ते हैं, एक, ये कैसा है, ये किसका है, ये ग्लास का है, और ये प्लास्टिक का है, प्लास्टिक के रॉड से रगड़ते हैं, जब प्लास्टिक के रॉड से रगड़ते हैं, और एक और लेते हैं उसको भी रगड़ते हैं, और दोनों को पास ले जाते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं, ठीक है ना, रिपेल करते हैं। और जब इसके साथ इसको लगाया जाता है, कांटेक्ट में लाया जाता है नज़दीक, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फिनामिनन को जेम्स फ्रैंकलिन ने बहुत ऑब्जर्व किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया, उसके पहले ही बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया, और बताया गया कि
यही क्या है, चार्ज बेसिकली है, ठीक है ना। यानी कि चार्ज जो होते हैं तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, ठीक है। यानी इनका नेचर दो तरह से होता है, एक आकर्षित करने वाले होते हैं, जब समान होते हैं तो आकर्षित करते हैं, जब समान प्रकार के चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब विपरीत प्रकार के चार्ज होते हैं यानी कि असमान प्रकार के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। और आवेश कैसे लाया जाता है किसी वस्तु पर, फ्रिक्शन के कारण, यानी रगड़ करके, ठीक है ना। यानी किसी वस्तु से किसी दूसरे वस्तु को रगड़ते हैं तो एक दूसरे वस्तु पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। यानी कहते क्या है, यही कहते हैं, तो कहते हैं रगड़ने के कारण क्या हो रहा है, चार्ज एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जा रहा है, ठीक है। और कहा जाएगा जो वस्तु है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिफाइड हो गया, यानी कि क्या हो गया, आवेशित हो गया, वस्तु क्या हो गया, आवेशित हो गया। यानी इसी को कहा गया कि दो तरह की चीजें होती हैं, ठीक है ना, दो तरह की हैं जिनको हम चार्ज कहेंगे। यहाँ पे दो ही तरह की एंटिटी हैं, इकाइयाँ हैं, दो तरह की इकाइयाँ जिनको हम चार्ज कहते हैं। जब समान प्रकार के एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जब विपरीत प्रकार के असमान प्रकार के आते हैं पास में तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जब कोई चीज़ मतलब उस पर चार्ज चला गया, यानी आवेश जिस वस्तु पर चला गया वो चार्ज इलेक्ट्रिफाइड हो गया, सॉरी वो वस्तु इलेक्ट्रिफाइड हो गया यानी कि आवेशित हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आया हमारा चार्ज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें आए जेम्स फ्रैंकलिन भाई साहब, बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, इन्होंने क्या कहा, क्या किया, इनका नाम दे दिया, ठीक है। इनका नाम दिया तो इनका नाम ऐसे दे दिया कि आज भी हमको इस वजह से प्रॉब्लम होता है। कोई रीजन नहीं था, वो अपने मन से उन्होंने नाम बस दे दिया, और आज जो होता है हमको प्रॉब्लम होता है करंट के डायरेक्शन को जानने में, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग करंट जो है उल्टा पढ़ते हैं, मतलब हालांकि जो करंट होता है आप लोग पढ़े होंगे कि करंट जो होता है अब आवेश की प्रवाह के वजह से होता है, धारा बहती है, और जबकि हम करंट का दिशा कैसे देते हैं, आवेश जिस दिशा में बहता है उस दिशा में नहीं, उसके विपरीत दिशा में। तो इसलिए हमको समझने में, याद रखने में थोड़ा दिक्कत होता है। दिक्कत क्यों होता है, क्योंकि यहीं पर, ठीक है ना, उन्होंने इसको इस पर क्या कर दिया, इसको कर दिया पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जो ग्लास के रॉड पर आ रहा था वो पॉजिटिव चार्ज था, और जो प्लास्टिक के रॉड पर आ रहा था वो क्या था, नेगेटिव चार्ज। यानी वो बाय कन्वेंशन उन्होंने नाम दे दिया कि जो ग्लास के रॉड पर आएगा वो पॉजिटिव होगा, और जो प्लास्टिक के रॉड पर आएगा नेगेटिव होगा। इसी तरह से तब कैट के फर पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। क्योंकि अभी हम बता रहे हैं ये रीजन क्या है कि इस पर क्यों पॉजिटिव चार्ज कहा गया, कि ये कैट वाला क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये भी क्या करता था, जब इसको रेशम के साथ लाया जाता था या फिर जब इसको इसके साथ लाइए, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेंगे फर को भी। अब बिल्ली के फर को लाइए और उसको इसके साथ पास लाइए तो वो क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना। तो वो भी क्या हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज हो गया इसी तरह का, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी क्या देखा, हमने यही कंक्लूड किया, ये सब एक्सपेरिमेंट से हैं, इसका कोई डिफिनीशन नहीं है, ये सब के सब जो चीज़ें अभी हम बता रहे हैं ये सब एक्सपेरिमेंट से ही बताया गया ये सब चीज़ें। तो ये बताया गया कि ये क्या करते हैं, दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रेशम पर आया वो क्या था, नेगेटिव था, क्योंकि इस पर पॉजिटिव उस पर नेगेटिव, क्योंकि एक दूसरे को क्या करते थे, फिर पास ले जाने पर आकर्षित करते थे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, अब जब एक पॉजिटिव है चार्ज वस्तु है और एक नेगेटिव, अब दोनों को आप लाएंगे एक साथ तो कुछ समय बाद क्या होगा, या बहुत कम समय ही लगता है, जो अगर जो है उसमें क्या होगा कि दोनों पर जो होगा चार्ज जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों पर न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी चार्ज जो होगा कुछ आवेश इस पर से उस पर जाके क्या हो जाएगा, सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, अब कोई चार्ज किसी पर नहीं रह पाएगा। तो ये क्या होता है, ये
इसको मतलब इसको आने जाने को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही नाम दिया था कि एक क्या है, एक क्या कहते हैं, एक फायर है, इलेक्ट्रिक फायर है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रहा है, ठीक है। लेकिन बाद में हमको क्या पता चला, बाद में एटम्स की डिस्कवरी के बाद क्या हमको पता चला, तो आप लोगों ने ये जान लिया कि इस पर जो होता है, यानी जो कैट के फर पर और जो ग्लास राड पर जो आता है रगड़ने के बाद सिल्क से, इसको किससे रगड़ा गया, सिल्क से, इसको किससे रगड़ा गया, कैट फर से, ठीक है ना। तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, इस तरह से हमने नाम दिया, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज तो ऐसे ही लिखना है आपको, ये चीज़ें हुई थी और इस आधार पर हमने कंक्लूड किया कि आवेश जो होता है दो तरह की एंटिटीज होती हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर हमने ये कंक्लूड किया कि दो तरह की एंटिटी यानी दो तरह की इकाइयाँ, एंटिटी का मतलब इकाइयाँ होती हैं, ठीक है, जो जिनको हम चार्ज कहते हैं, ठीक है, जो अगर समान प्रकार के होंगे तो आकर्षित करेंगे, अगर असमान प्रकार के रहेंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एटम्स की। एटम्स का जब खोज हो गया तो हमको पता है कि एटम्स में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और बहुत छोटा मात्रा में होता है, इसके बहुत बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मेघ, जिसको हिंदी में इलेक्ट्रॉन मेघ कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन मेघ। और यहाँ पर यह देखा गया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है जो इसमें 3D स्पेस में, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में 3D स्पेस में मूव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इसमें जो होता है, इसमें होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमको पता है कि प्रोटॉन जो है, ठीक है ना, प्रोटॉन जो है वो क्या है, ये तो बाहर निकल नहीं सकते एटम से, क्योंकि एटम से बहुत जो बाहर चीज़ें हैं वो बाहर की ओर क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। तो जो जब हम रगड़ते हैं तो वही होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर जाता है, तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, यानी ऋणावेशित हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। और जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी जिससे जाता है उस पर क्या हो गया, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो नंबर ऑफ किसी भी एटम में, मतलब उदासीन एटम में जो आप लोग पढ़ते हैं, मतलब न्यूट्रल एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है और दोनों पर चार्ज भी बराबर होता है, ठीक है, दोनों पर, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, और ये होता है 1.6 × ठीक है, ये होता है इतना कूलाम होता है, ठीक है, इसका हमने यूनिट भी क्या दिया, कूलाम दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो है आगे बात करेंगे, जब अब इसके बाद प्रोटॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इतना जो है चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, इतना प्रोटॉन पर इतना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, चलिए इतना तो हो गया, मतलब अब क्या हो गया कि जब रगड़ते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन जो होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे जाता है, तो जिस वस्तु पे जाता है वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उस पर हो गई, और इस पर क्या हो गया, जिस पर से गया उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो अंदर प्रोटॉन तो बाहर जा नहीं रहे, और इस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे पहले उदासीन में, तो प्रोटॉन में जितना चार्ज रह गया वो क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इस तरह से हमने ये समझा कि कैसे जो होता है चार्ज एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाता है, ठीक है। और चार्ज का हमारा जो यूनिट है वो क्या है, कूलाम है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। मात्रक जिसको हम यूनिट कहते हैं वो होता है कूलाम, इंग्लिश में कूलम कहते हैं, और कैपिटल सी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, चार्ज का यूनिट, ठीक है। अब एक कूलम चार्ज क्या होता है, इसका डिफिनीशन हम लोग
करंट के आधार पर देंगे कि एक एम्पियर करंट एक सेकेंड में पर सेकेंड प्रवाहित करने के लिए जितना आवेश की ज़रूरत होती है, तो वो अगले चैप्टर में हम लोग आगे के चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक कूलाम आवेश बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ होता है, ठीक है ना। एक कूलाम आवेश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा आवेश होता है, ठीक है। इतना जो है हम प्रैक्टिकली करते भी नहीं है, इतना हमारा प्रैक्टिकल यूज भी नहीं होता जनरली सामान्यतः, ठीक है ना। तो होता क्या है, कौन सा यूनिट यूज होता है, माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम कितना होता है, 10^-6 कूलाम, और मिली कूलाम 10^-3 कूलाम के बराबर। तो मिली और माइक्रो कूलाम हम यूनिट यूज करते हैं बेसिकली ज़्यादातर प्रैक्टिकल केसेज में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर। और एक चीज़ और आपको बता दें कि कभी भी किसी वस्तु पर चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है यही फंडामेंटल आवेश है, यानी इससे कम आवेश नहीं होता, ये फंडामेंटल आवेश है, सबसे बेसिक आवेश, बेसिक चार्ज है, ठीक है ना। इससे कम चार्ज नहीं होगा। और जब भी किसी वस्तु पे चार्ज बढ़ता है या कम होता है तो E के ही गुणज में बढ़ता है, यानी Q बराबर, अगर Q को चार्ज मतलब Q से डिनोट करें चार्ज को, तो N E के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ये क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है, यानी कि जो आवेश जब भी ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्म में होता है, ये हमेशा ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो आदान प्रदान इसी तरह से होता है, इसको क्वांटाइजेशन भी कहते हैं, चार्ज का क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन, क्योंकि यही है, ये बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, इतना यूनिट चार्ज जो होता है वो फंडामेंटल है, इससे कम नहीं हो सकता, ये फंडामेंटल यूनिट चार्ज है। इतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब कुछ इसका फिगर, अब इसके बाद इसका अगला चैप्टर, अगला टॉपिक जो देखेंगे हम कूलाम का नियम, ठीक है, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।